देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ सदन में विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसके बाद इस अविश्वास प्रस्ताव का पलटवार एनडीए भी करने की तैयारी में है। हालांकि एनडीए की संख्या को देखते हुए इस प्रस्ताव का नतीजा तो पहले ही तय है, लेकिन एनडीए की कोशिश है कि इस बार विपक्ष दलों के गठबंधन इंडिया को तगड़ा झटका दिया जा सके। दरअसल मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सत्तारूढ़ दल एनडीए की यह कोशिश है कि 5 साल पहले मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से ज्यादा अंतर से इसमें जीत दर्ज की जाए, ताकि लोगों के बीच यह संदेश जा सके कि एनडीए गठबंधन के सामने इंडिया जो नया गठबंधन तैयार हुआ है वह कारगर नहीं है। मालूम हो कि मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में विपक्ष द्वारा लाया जा रहा है और यह पहला अविश्वास प्रस्ताव है। इससे पहले मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में जुलाई 2018 में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था। तब इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 126 वोट पड़े थे, जबकि इसके खिलाफ 325 सांसदों में मत दिया था। लेकिन इस बार सदन का संख्या बल एनडीए के पक्ष में ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है, एनडीए के पक्ष में ज्यादा है तो घमासान तो मचेगा ही। इस बार एनडीए के पास अपने 332 सांसदों का समर्थन है। विपक्ष गठबंधन से बाहर खड़े दलों का अगर समर्थन मिलता है तो यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वही कांग्रेस के साथ बने विपक्षी गठबंधन के साथ लगभग 153 सांसद है, जबकि दोनों गठबंधनों के दूर दलों के पास 53 सांसद है, जबकि 5 सीटें फिलहाल खाली है। इसमें शिवसेना और एनसीपी के लिए और इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, यह दोनों दल आपस में ही बढ़ चुके हैं। ऐसे में व्हिप जारी होने पर इन दोनों दलों को यानी कि दोनों खेमे कैसे मतदान करेंगे यह अभी फिलहाल तो साफ नहीं हो सका है। आपको बताते चले कि इन अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जहां विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिश के साथ अपनी जो है एकजुटता, खासकर नए बने गठबंधन इंडिया की ताकत को दिखाएगा, तो वहीं एनडीए की कोशिश विपक्षी खेमे में सेंध लगाने की होगी। भाजपा की कोशिश विपक्षी खेमे में सेंध लगाने की है, तो वहीं मतदान के समय अगर इस खेमे के कुछ दल या कुछ सांसद टूटते या सदन से बाहर रहते हैं तो वह भी भाजपा के लिए काफी लाभदायक है और विपक्ष के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यानी कि अब ज्यादा से ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि भाजपा और उसके विपक्ष के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाजपा का एनडीए के आने के बाद उम्मीद ज्यादा जग गई है। तो फिलहाल यह रिपोर्ट यहीं तक थी। ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।